नमस्कार दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एटीएम कार्ड। दोस्तों, अगर आप एक नया एटीएम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। इसको भरिएगा तभी आपका नया एटीएम कार्ड बनेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि इस एटीएम फॉर्म को कैसे भरा जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नेम। नेम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका नाम है राज सिंह। तो राज इनका नाम है और सिंह इसका टाइटल है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉक्स का गैप होना चाहिए, राज और सिंह। वैसे ही आप लिखिएगा, आप पहला आपका नाम लिखिएगा, उसके बाद आपका जो टाइटल आएगा उसके बीच में एक गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं जेंडर देना है, मेल या फिर फीमेल। अगर आप मेल है तो मेल पे टिक करिएगा, अगर फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं तो फीमेल पे टिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे एड्रेस फॉर, ये एड्रेस के लिए है, आपको अपना जो पता है वो भरना है। जैसे कि हम भर रखे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है विलेज। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे भरना है आपको पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है टाउन या फिर सिटी। आपके नज़दीकी जो भी टाउन है या फिर सिटी है, या फिर आप अपने ज़िला का नाम भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो हमारा नज़दीकी जो सिटी है हमने उसका नाम भर दिया है, अब भी वो भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे स्टेट, स्टेट नेम, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट का नाम यहाँ पे भर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे झारखंड लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए इस साइड में यहाँ पे लिखा है पिन कोड, ठीक है। पिन कोड में जो भी आपका पोस्टल पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखा है मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना है, ये कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जैसे कि हम अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे लिखा है ईमेल, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी ईमेल है वो ईमेल यहाँ पे डाल दे। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास है ईमेल तो आप यहाँ पे ईमेल डाल दें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट के बारे में, आपका प्राइमरी अकाउंट है या फिर सेकेंडरी अकाउंट। अगर आपका प्राइमरी अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आप सेविंग पे टिक कर दीजिएगा। हमारा यहाँ पे सेविंग अकाउंट है और प्राइमरी है तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। और सेकेंडरी, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, एक अकाउंट में अगर दो आदमी लेन देन करता है, जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें आप यहाँ पे टिक मारिएगा, ठीक है। और आपका अगर इंडिविजुअल है, आप अकेले है उसमें प्राइमरी अकाउंट में, तो आप प्राइमरी अकाउंट के सेविंग अकाउंट में यहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा है ब्रांच। ब्रांच आपका जहाँ भी बैंक है उस जगह, उस ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका मतलब आपका बैंक जिस ब्रांच से है वहाँ का नाम दे देना है यहाँ पे। जैसे हमारा जो ब्रांच है वो धनबाद है, तो हमने यहाँ पे धनबाद ब्रांच लिख दिए है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेविंग अकाउंट नंबर। यहाँ पे अगर आपका सेविंग अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा, जैसे कि हम लिखे हुए हैं। और अगर करेंट अकाउंट नंबर है तो वो भी आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इधर आपको कुछ नहीं भरना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा है एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना होगा, ठीक है। यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, बस आपका फॉर्म फिलअप हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह इधर जो नीचे दिया हुआ है ये सब है फॉर ऑफिस यूज ऑनली, ये आपका काम नहीं है, ये ऑफिस वाले भरेंगे, ठीक है। नीचे का यहाँ तक आपका काम है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आपको सिग्नेचर नहीं आता अब तो आप अपना थंब भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आपने यहाँ तक अपना समय दिया, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।